हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये रोमा वैक्स शेयर करने जा रही हूँ। वैक्स को यूज़ करने के लिए मैं बटर नाइफ इस्तेमाल करूँगी और ये वैक्स स्ट्रिप यूज़ करूँगी, और इसको मेल्ट करने के लिए मैं हेयर ड्रायर का यूज़ कर रही हूँ। वैक्स मेल्ट हो चुकी है, उसे मैं बटर नाइफ पर ले रही हूँ और अब मैं अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मुझे अपने हेयर्स को रिमूव करना है, तो आपने अप्लाई करना है ऊपर, आपने वैक्स स्ट्रिप जो है कटिंग करके उसी साइज़ में लगा लेनी है, और जिस तरह से नॉर्मल वैक्स करते हैं वैसे ही आपने करनी है वैक्स, तो आपके हेयर जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद का जो स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। देखें, स्किन जो है वो थोड़ी रेड होना शुरू हो गई है। यहाँ पर हमें एक्ने ना बने और जो है हेयर्स की ग्रोथ कम हो, तो उसके लिए आपने ले लेना है जो फटकड़ी होता है उसको आपने पिघला के उसका पाउडर बना लेना है तवे पे। उसके बाद आपने लेना है सूथिंग लोशन, ये रेडनेस नहीं बनने देगा और एक्ने नहीं बनने देगा। उसके बाद आपने ये पाउडर ले लेना है जो हमने फटकड़ी का पाउडर बनाया, उसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के दो बेनिफिट हैं, एक तो आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी और दूसरा जो है आपको स्वेलिंग नहीं होगी या रेडनेस नहीं होगी और ना ही आपको दाने बनेंगे वैक्स करने के बाद, जो अक्सर लोगों को बन जाते हैं जिनकी सेंसिटिव स्किन हो। अगर आप चाहें तो अलग से सूथिंग लोशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बालों की ग्रोथ भी कम करना चाहते हैं तो इसमें फटकड़ी का पाउडर ज़रूर मिक्स करके अप्लाई करें। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वैक्स बाय करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ जाके इसे बाय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।